अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 बीएचके चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे करने के लिए चाहिए, बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 94 का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है, अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5-star रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा, बेस्ट पार्ट है। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। पाकिट मारो, पाकिट मार लिया और घड़ी छीन लिया शरद पवार से, मुमरा में भी पाकिट मार आ चुके हैं। बराबर है मिस्टर परसेंटेज, उसका जवाब तो देवे जो मुमरा में पाकिट मारे को भगाने के लिए हम आए हुए हैं, जो मुमरा का पाकिट मारे है 15 साल में, इसीलिए अभी तक पानी की किल्लत, अंदर के रास्ते गलियां, कचरे की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के ड्रेनेज की समस्या, खेल के मैदान की समस्या, स्कूल में टीचर ना होने की समस्या, स्कूल की खस्ती हालत, नाले अधूरे, अंदर के रास्ते गायब, मार्केट गायब, ये जितने पाकिट मारे हुए ना इनके, मार्केट का पाकिट, स्कूल का पाकिट और ये पाकिट, और ये हमने करे ना, उनका ही साथी एक जो ओहदे पे था महापालिका पे, माजी विरोधी पक्ष नेता, उन्हें नहीं 2 दिन पहले हड़ताल, भूख हड़ताल किए बैठे थे और आंदोलन पे बैठे थे। तो पाकिट मार तो वो है, बोलने के लिए आसान है, बोलने के लिए वो क्या, वो अजीत पवार का नाम लेके होगा कि पाकिट जो है उन्होंने मारी, पाकिट उन्होंने मारी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना फैसला, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फैसला आएगा जब। इनका कैसा हिसाब है, कोर्ट ने खिलाफ में गए तो कोर्ट इंसाफ नहीं देती, इनको हर हक अपने में चाहिए उनका। ये जो इतने लोग टूटे हैं ना, उनके यही लालच की वजह से, मैं और मैं, उनके तरफ से फैसला आया तो इंसाफ, उनके खिलाफ फैसला गया तो ये सब बिके हुए, हम अलग हुए तो इनको तकलीफ। पाकिट मारा हुआ है मुमरा कौसा के विधायक जी से, हमारा कहना है कि आप घड़ी की फिक्र छोड़िए, मुमरा में 15 साल जो हवा में के पाकिट मारे आपने, उसके बारे में बात कीजिए। कब्रिस्तान का इशू काफी चल रहा है मुमरा में, उस वक्त आप भी मौजूद थे उनके साथ में, तो क्या वाकई में कब्रिस्तान अवैध लीगल करने की मांग हो रही है, लोग आंदोलन पे भी बैठे हुए? अवैध है किसने कहा है, मैं कोई, मेरे सामने तो कोई ऐसे पेपर नहीं आए कि इलीगल के, ऐसा किसी का जुमला आया रहेगा तो आप मुझे बताएं तो इंशाल्लाह उस पर। मांग को लेकर आंदोलन पर भी बैठे हुए मुमरा रेलवे स्टेशन के पास हिमाचल पार्टी। देखो, कब्रिस्तान कानूनी तौर पे, टेक्निकली तौर पे, मैं कब्रिस्तान में उनको दिलाने में साथ में था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मित्तल से नरोत्तम नगर जो सुनील मित्तल जी थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे, इनको, इनकी जो स्वभाव रहता है, मैं सब सही खानदानी लोग हैं, वो लोग पसंद नहीं करते थे। और उस दौरान पे सुनील मित्तल से हमारी पहचान थी, सुनील मित्तल से कब्रिस्तान दिलाने में हैंडओवर, एक होता है ज़मीन खुशी से देना TDR के मुआवजे पे, कंपनसेशन के मुआवजे पे, जो भी मुआवजा रहेगा गवर्नमेंट का, और एक होता है एक्विजिशन एक्ट के तहत जाना। तो एक्विजिशन एक्ट के तहत जब जाते हम तो बहुत अरसा लगता है, तो वो देने को तैयार नहीं था, क्योंकि नया रिजर्वेशन डाले थे हमने। कब्रिस्तान जो जगह पे था, मेरी राय मशवरे में हुआ नहीं है, ये अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि हज़रत मोइन मियाँ साहब के सदारत में, जब जायसवाल साहब के पास कमिश्नर साहब उलेमाओं के साथ, नगर सेवकों के साथ
विधायक जी भी आए थे वहाँ, जब हमने मीटिंग की थी तो कब्रिस्तान हैंडओवर जल्दी हो जाए उस सिलसिले में मीटिंग किए थे, और वो टेक्निकल रास्ता उसके बाद मैंने जाके वो टेक्निकल हम लोगों ने कब्रिस्तान दिलाया। इन्होंने बिल्डिंग और प्लॉट के लालच में जो कब्रिस्तान शिफ्ट कराए, आज जहाँ कब्रिस्तान था वहाँ जो बिल्डिंग बन रही है इलाइट नाम की, वो नदीम किसका आदमी है? अब चार लोग मेरे पास मुलाकात करने आएंगे, हमारे जफर नोमानी साहब को पूछे, अब राजू अंसारी को पूछे, कि जैसा कोई आता है आवार साहब की तरफ से पहुंच जाता है समझाने को। तो जिधर वो बिल्डिंग बन रही है वो कब्रिस्तान की गवर्नमेंट की दीवी जगह थी, उन्होंने वो जगह उठा के जिधर कत्तल खाना लाए थे हमने, कत्तल खाना हटाने की बात हो गई थी बट कब्रिस्तान उधर डालने की बात नहीं हुई थी कमिश्नर के पास और सबके मौजूदगी में भी थी, जो शर्तें रखी थी 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये चेंज इन्होंने 16 के 18 में चेंज करा के लिया। मित्तल का डेवलपमेंट कब चालू हुआ? प्लॉट क्यों वो बोले तो ही मित्तल देता है, कब्रिस्तान गलत जगह पे लाके अच्छी बिल्डिंग पास करा के लिया ना, तो जो इलाइट का प्रोजेक्ट बन रहा है वो कब्रिस्तान की मुकर्रर जगह थी, वो बिल्डिंग जो आज बन रही है उनका ही आदमी, उनको बिल्डिंग बनाना था। अभी जहाँ पर कब्रिस्तान है न्यू सुन्नी कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान लीगल है या नहीं? टेक्निकली तौर पे कमिश्नर ने उसको शिफ्टिंग की मंजूरी दिया है, अब वो शिफ्टिंग करते वक्त विधायक जी ने, बिल्डर ने और कमिश्नर साहब ने जो सोचना चाहिए था कि तुम कौन सी जगह पे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हो, यानी आपके पास भी पुख्ता जवाब नहीं है लीगल है या नहीं? मैंने कहा ना कमिश्नर ने उसको मंजूरी दिया है, और कमिश्नर का इख्तियार है, कानून में प्रोविजन है रिजर्वेशन शिफ्ट हो सकता है, बट तुम्हारी नियत के ऊपर रहता है, तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर रहता है कि पैसे के पीछे जाए कि जो आवाम ने तुमको सर पे बिठाई है उसका काम करें। आप साफ तौर पर लीगल है या नहीं? आज के तौर पे तो वो शिफ्टिंग कर कमिश्नर ने उसको अप्रूवल दिया है, तो मैं कानूनी तौर पे मानूंगा कि कब्रिस्तान उधर शिफ्ट किया गया है कानून के तहत में। लीगल है कि नहीं? कानून के तहत में शिफ्ट कर दिया गया। देखो MIM क्या जवाब मांगती है, मैंने आपको कहा कौन से मौजू पे वो इलीगल बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। रिजर्वेशन शिफ्टिंग का अधिकार है और वो उसके हिसाब से शिफ्टिंग कमिश्नर ने अप्रूव दिया है, तो मैं तो मानूंगा कि वो अप्रूवल सही है। अप्रूवल देते वक्त सोचना चाहिए कि भाई एक स्कूल है या कोई एक चीज़ है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान कौन सी ज़मीन पे देना चाहिए, नाले के नज़दीक, STP के नज़दीक नहीं देना चाहिए था, जो कत्तल खाने की जगह थी, कत्तल खाना शिफ्ट किया तो तुम वहाँ अर्जुन शिफ्ट करना चाहिए था, कब्रिस्तान हटा के इसको आर किए और उधर शिफ्ट किए, तो आपने आर जोन किए ना विधायक जी से हमारी नाराज़गी वो है, उसमें हमको भरोसे में नहीं लिए, उसमें कोई नगर सेवक को स्थानीय नगर सेवकों को भी भरोसे में नहीं लिए। जभी तो शिफ्ट कराए 18 में तो दो का पैनल था, वो वार्ड में हमारी हाफिज़ा भाभी नगर सेविका थी, अजीज़ बाटा की वाइफ नगर सेविका थी, तो उस वक्त नगर सेवक जो आपके स्थानिक थे वो हल्के के, उनको तो पूछना चाहिए था, या खुद तुम्हारी सलाहित से जगह पे जाके देखना चाहिए था कत्ल का ना। हमारी विधायक जी से नाराज जो कब्रिस्तान का चंद पैसों के लिए खिलवाड़ किया, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जिसको दो पाकिट मार रहे हैं वो तो लुटेरे है, लुटेरे मुमरा लुट के लेकर गए, और कभी भी आमने सामने मुद्दों के साथ बैठने को हम तैयार हैं आवाम के बीच में। अरे किससे फाइनेंस की, कौन फाइनेंस की बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले, फाइनेंशियल बजट पेश करने वाले अजीत दादा पवार, कोविड में खस्ती हालत में बजट संभाल को सरकार को संभालने वाले अजीत दादा पवार, हिंदुस्तान में केंद्र शासन ने हमेशा उनकी तारीफ की, वो अर्थव्यवस्था वो बराबर उनको आता है पैसे कैसे चलाने का, बजट कैसा करने का, और उन्होंने 100 बार कहा है कि जब ये योजना हमने लाई है तो हमने कल्याणकारी योजना के लिए कितना बजट दिया है होश और हवास में किया है, और ये योजना बंद नहीं होगी। और ये जो बात कर रहे हैं ना, तो अभी उनसे आर्थिक की क्या बात करें, जिनको सिर्फ लेना आता है दिए नहीं है,
तो वो क्या बात कर रहे फाइनेंस की, तो उस बात के ऊपर वो तो मीडिया में आने के लिए उनका शौक है, मीडिया में आने का उनका शौक है, बड़े बड़े लोगों के नाम पे बेबुनियाद बातें करे कि हेडलाइन चले। जो टीआरपी के लिए काम करता है उनकी बातों का जवाब देना मुझे लगता नहीं इतना कोई देना चाहिए। इसके अलावा अजीत दादा पे उन्होंने ये भी कहा कि जिसे उनके रिश्ते से बढ़ाया था शरद पवार जी ने, 85 साल की उम्र है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे, लेकिन उन्हीं के जो है सदस्य ने जो उनके पेट में गद्दारी करके जो है पार्टी के विधायकों को लेकर, अभी आवर साहब जाने 2019 में आपने हमको घर पे बुलाया था और मैं घट नेता था, जब ही बोले कि कभी पवार साहब बीजेपी के साथ गए तो अपने को घट अलग बनाना पड़ेगा, तो वो गद्दारी की बात ना करें। याद थे बंगला पहला माला याद करो, तो वो गद्दारी की बात ना करें। और शरद पवार साहब ने और अजीत दादा ने दोनों ने साफ तौर पे कहा है कि हम फैमिली में एक हैं, हम फैमिली गेट टुगेदर में मिलते हैं, हमारा खानदान एक है, सियासती सोच अलग है। तो बराए मेहरबानी पेट्रोल डाल के आग लगाने का काम करके अपनी टीआरपी ना बढ़ाए, या हमारे जूनियर नेता से हमारी दरखास्त है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार की जो हालात है जिस तरीके से वो आप खून की जो पेटी रहती है उसमें भी पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। ब्लड बैंक में पैसा कौन कमाता है, हावर्ड साहब से जरा जाके पूछिए, ब्लड लाइन उसका नाम है, महीने के कितने पैसे कमाते हैं। तो जो खुद पैसे कमाने के लिए बैठा है खून से, वो दूसरे के खून की पेटी के बारे में क्या बात करता है। ब्लड लाइन पूरा हुआ है।